नीमच जिले में कलेक्टर के आदेश अनुसार जिले में तंबाकू गुटखा पाउच बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है, जिसके चलते मनासा नगर में खुली हुई किराने की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए गुटखा पाउच जब्त किए गए और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही कई जगह घरों में सेब समोसे बनाकर बेचने की शिकायतें मिल रही थी, जिसकी कार्रवाई के दौरान फूड इंस्पेक्टर राजू सोलंकी, नायब तहसीलदार रश्मि दुबे व नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ सूचना के आधार पर घरों में पहुंचकर चेकिंग की गई व कई जगह से पाउच व गुटखे जब्त किए गए। साथ ही कोई भी तरह का गुटखा पाउच सिगरेट बेचते पाया गया तो पुलिस द्वारा 188 IPC के तहत कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील है कि लॉकडाउन की पूर्ण शर्तों का पालन करें, जितनी छूट दी गई है, जितने समय के लिए दी गई है, उसका पालन करें। निर्देशों अनुसार शहर में मतलब गुटखे तंबाकू ये टोबैको ये बीड़ी सिगरेट ये प्रतिबंध है इन सभी पे, तो हमें शिकायत प्राप्त होने पे हमने कार्रवाई की है, हमारी तरफ से जब्ती की गई है, उन लोगों को समझाइश दी गई है। हाँ, आगे भी जाए अगर हमें शिकायत प्राप्त होती है, अगर किसी की दुकान में हमें ये सब चीज़ मिलती तो हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। हमने निर्देश निकाले हैं कि ये थूकते हुए पर स्प्रिट करते हैं तो इस पर भी कार्रवाई की जाएगी, थूकने पर प्रतिबंध है शहर में। आज ये नगर परिषद आपको मिल जाएगी, 7 अक्सर जानकारी ले लीजिए। नीमच जिले के मनासा से बद्रीलाल गुजर की।